हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरे साथ है आर्यन, और आर्यन वहाँ है, आर्यन यहाँ पे, हिमांशु, क्या नाम है, प्रांशु हिमांशु, प्रांशु, लाला लाला, आर्यन, इसका नाम अनितेश है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं टगर। टगर आप लोगों को नहीं पता होगा, तो ये खेतों का भंडार है वहाँ पे। हम बहुत दूर भी है तो इसलिए हम उसको कहते हैं टगर। टगर मतलब हार, हार मतलब कि जहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट सन्नाटा ही सन्नाटा है, और कुछ लोग भाजी खोदते हुए आप लोगों को मिलेंगे, और खेत ही खेत, खेत ही खेत। तो वहाँ जाते हैं हम लोग, थोड़ा इसकी आज फोटो शूट कर देते हैं। और मैं इसलिए रेडी हुआ हूँ क्योंकि ये भी मैं शायद एक दो शॉट ले लूँ जो कि मैं अगले म्यूज़िक वीडियोज़ में यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी एक लोकेशन है, उसको तलैया कहते हैं। तो वहाँ पर है तालाब का छोटा फॉर्म तलैया, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। वहाँ पे चारों तरफ डस्टी डस्ट है और बहुत मस्त है, मज़ा आने वाला है, चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में। यहाँ चारों तरफ हमारी खेत ही खेत हैं। इसको कहते हैं मड़फा, मड़फा नहीं, बदहुआ के थोड़ी आगे, हालांकि यही है बदहुआ, थोड़ी सी आगे आ गए हम लोग। और यहाँ पहले तीन पेड़ हुआ करते थे, बट अब नहीं है वहाँ, अभी एक ही पेड़ बचा है। नहीं, है वहाँ तीन पेड़ के, हम थोड़ा पीछे खड़े हैं तो वहाँ है। और आगे का मैं रास्ता दिखाता हूँ किस तरह है। ये देखो रास्ता है इधर पे, समझ गया कैसे ना। ये है पगडंडिया, अगर नीचे गए तो सीधे गिर जाएंगे, खराब हो जाते हैं। इसको कहते हैं बेसरम का पेड़। ये बेसरम का पेड़ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको कहीं भी फेंक दो या कहीं भी बिना पानी के और बिना किसी चीज के और कितना भी फेंक दो, ये बेसरम अपने आप उग जाता है। और इसी के कारण एक गाली बनी है कि बेसरम है क्या, इट मीन्स कि कहीं पे भी जमा रहना, जहाँ पे इज्जत ना हो तो भी, इसको अगर हम घर के बाहर भी फेंकेंगे तो घर के बाहर जमा रहता है, इसलिए इसको बेसरम कहते हैं। बस हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में। चारों तरफ खेत ही खेत हैं, तो डेस्टिनेशन तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, बट कि हमको यहाँ पे बाइक अलग से बाहर खड़ी करके जाना पड़ेगा। तो बाइक हम बाहर खड़ी कर दिए और यहाँ पे मेड़ ही मेड़ हमको अंदर जाना है, तो चलते हैं। ये लहलहाती राई, इसको ही कहते हैं, और ये हैं राई के खेत। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है लोकेशन, पूरा खुदा हुआ है। चारों तरफ राई के खेत हैं। यहाँ पे ये पत्थर मार रहा है, मार जल्दी से मार, वहाँ वहाँ मुझे नहीं, ये उसका गया पत्थर, ये वो बहुत दूर चला गया है वो, और पोज दे रहा है। क्या पोज दे रहा है, चल डांस कर, क्या कर रहा था अभी फिर से आओ फ्रेम में पूरा पूरा पानी था और हम कूद के आ गए। हाँ आ जा, सनसेट हुए लाग, जल्दी जल्दी कर, एक फोटो खींच जाए, मैं ये ले दीजिए खींचो। आओ ना आगे, हाँ ये वह भाई चट्टान में चढ़ा ऊपर से।
stop. Mask on my face, hesitate to give me some. I'm up there to murder. Look on my block, in the stock. आइए जल्दी आइए आपका प्रोग्राम है अब आइए पधारिए ऊपर ऊपर देख कोई मेरे बात में हाँ अब ये एक तीन तो फोटो खींचे हाँ तो हम इसको बोलते हैं कि ये रॉकेट जा रही है और इसको हम पहले बहुत देखते थे अब तो मान लो नहीं देखते हैं तो ये सब इधर ही दिखते ज़्यादातर बेंगलोर में तो इन सब में वो समझ में भी नहीं आता कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं ये सब कभी दिखता नहीं है इतना ऊपर देखने का मन भी नहीं करता और यहाँ पर सनसेट हो चुका है और मतलब हो रहा है एक्चुअली यू कैन सी दैट बट और यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो सन दिखने लगा तो इतना नीचे तक जाता है सन तो बस सनसेट हो गया अब हम लोग भी निकलेंगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है इधर पे ये खड़ा है इधर पे ये प्रांशु हीरो बना हुआ है यही यहाँ फोटो खिंचा रहा था बस ओहो वीडियो बनेगा तभी सनसेट हो गया है अभी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन यही थी चारों तरफ यहाँ एक्चुअली खुदाई उदाई नहीं हुई है ये तलाब है जिसको छोटा रूप तलैया है तो ये सूख गई तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे वहाँ पे सनसेट हो चुका है और लाला इधर पे है टोपा लगाए हुए साउंड भी लिया हुआ है कि डीजे लगा हुआ डीजे एंड यहाँ पे प्रांशु है तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आज का यही ब्लॉग था थोड़ा बहुत जो डालना था मेरे को आज ही मैं टगर आया हूँ ना तो टगर का दिखाना था मेरे को थोड़ा सा तो बस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय सी यू टेक केयर लव यू ऑल